आपने सोशल मीडिया पर एक मृत बच्चे का वायरल वीडियो और फोटो देखा होगा। कहा जा रहा है कि यह बच्चा बिहार में आए भीषण बाढ़ के काल के गाल में समा गया। लेकिन इस तस्वीर की असली कहानी क्या है वो बिहार तक आपको बताएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि लगातार वायरल हो रही इस तस्वीर में यह दावा किया जा रहा है कि बाढ़ के पानी में नहाने के दौरान तीन बच्चे पानी में बह गए और इस घटना में तीनों बच्चे की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि प्रशासन की लापरवाही से यह घटना घटी है। लेकिन जब हमारी टीम ने इस वायरल फोटो और वीडियो का पड़ताल किया तो पता चला कि यह वीडियो मीनापुर प्रखंड के रानीखेड़ा पंचायत के शीतलपट्टी गांव का है और यह घटना 16 जुलाई 2019 की है। इस खबर की सच्चाई जानने के लिए जब हम मीनापुर के शीतलपट्टी गांव पहुंचे और गांव के कई लोगों से बात की तो मामला कुछ और ही निकला। गांव के युवकों ने बताया कि इस महिला ने पारिवारिक कलह के कारण अपने बच्चों के साथ नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की थी। ना है जो बच्चे जो डूब गई है लेडीज लोग, तो ये वहाँ कुछ विवादित सिस्टर के पैसा के लेकर के कुछ विवादित हुआ था पति पत्नी में, जिसके कारण उसकी पति तो बाहर था, पत्नी उसकी दो तीन चार बच्चा के साथ लेकर के नदी किनारे पर गई, एक चादर और एक साड़ी लेकर, जो कि वो बता रही है कि धोने के क्रम में हमने लेकर के गए। लेकिन यह सच्चाई जब पता चला, जब बच्चा जो जब डूबी तो तीन बच्चा मृत पाया गया वहाँ, और ये भी बीच नदी में थी और एक बच्चा भी थी बीच नदी में जिसको बचाया गया, बच्चा और इस औरत को उसकी माँ को, तो वो बाहर आई तो उस चीज़ के बाद इसको सच्चाई हुई। आखिर कपड़ा धोने गई थी तो फिर बच्चा मर ही गई से, तो सब जो पूछा गया इस सब पर जो अथी हुआ गया तो इस पर सच्चाई आई कि नहीं, जो बच्चा कोई यह विवादित झगड़ा पति पत्नी में होने के कारण ही उस बच्चे को लेकर के नदी में फेंक दी, जिसके कारण तीन बच्चे की मृत्यु हुई और यह बच गई। और ये हुई तो आखिर तो मानसिक तो पहले से कोई बीमारी थी नहीं, तो आखिर ऐसा की कैसे, तो जाकर पता चला जे नहीं इसके सिस्टर को पैसा के लेकर के इसको ये इस सब चीज का। किसका सिस्टर? इसका पति का सिस्टर। इस प्रकरण में सबसे मुख्य किरदार में रही वो महिला जिसके बच्चे की डूबकर मौत हो गई। मां रीना देवी का कहना स्पष्ट नहीं है। काफी कुरीदने पर महिला मात्र इतना बोल रही है कि वो अपने बच्चों को लेकर नदी में कपड़े साफ करने गई थी, बच्चे कैसे डूब गए उसे पता नहीं। बउआ के लेके चाहो के गेली, बउआ के हम ऊपरे बैठा देली, चारों बउआ के बड़की लड़की गोदी में बउआ के धा देली, बउआ तो ऊपरे बैठिया, बउआ ऊपरे रहे, वह हम चादर में पैखाना करे वह लेके हम चल गेली धोए। इतने बात मानली से बउआ के हम बैठा लिया धोए गेली, वह बात जान ली, ओ बेर से कोनो बात ना जान ली से हमरा की भेल कहाँ गेली ना ली ना हम कुछ जानई बारी ओ बेर। महिला का पति पंजाब में नौकरी करता है और उसे कुछ भी नहीं पता। महिला का पति भी सच्चाई जानने की कोशिश में लगा है। फोन कर लगा थी से यहाँ से इलाहाबाद से ससुरों ऐसे से बात हो गया, सब बउआ डूब गए लग इतना ना बता रहा, सोचे ऐसे बताया लग से डूब गए लग बउआ, तो से पत्नी के लग कपड़ा धोए तो बउआ के गुद्दी में धले लग, पता ना बउआ कैसे डूबल ना डूबल हमरो मालूम ना है ना हमरे मालूम है, हमरा कोई चीज़ के पते नहीं। हाँ तो पूछताछ हम कर ले सबसे पूछे ले तो सब बतबैया से ऐसे ऐसे बात है ठीक है, लेकिन हमारा कोई बात सही अभी ना बता रहा है। यहाँ क्या जानकारी लगी है? यहाँ क्या पता चल रहा? यहाँ चल रहा है जैसे खाली कपड़े धोने के हमको बता रहा है, तो कपड़ा धोए हम गेली तो एक बउआ के धोली हम पानी में गेली तो हमारा कोई मालूम नहीं चल रहा से बउआ कहाँ गलक ना गलक। पुलिस उलिस आए? हाँ पुलिस उलिस आए लगे यानी हमारा फोन पकड़ लग पुलिस उलिस सब गोटा आए लगे। उसमें मुआवजा वगैरह मिला? कुछ ना हमारा मुआवजा नहीं मिला, कुछ ना कोई चीज़ हमारा जानकारी ना है हमारा कहाँ से हम कथी करिए। वहीं पूरे मामले में बकौल मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष का कहना है कि 16 जुलाई 2019 को शीतलपट्टी गांव की 35 साल की महिला रीना देवी का अपने पति से फोन पर विवाद हुआ था। उस विवाद के आवेश में महिला अपने चारों बच्चों को साथ में लेकर कूद गई और आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें उसकी जान तो बच गई लेकिन उसके कुछ बच्चों की मौत हो गई। नहाने के दौरान सभी बच्चे बह गए एवं बहने के बाद बच्चे का शव जो है किसी किनारे पर पड़ा हुआ मिला और इस प्रकार की खबर चलाई गई, अमानवीयता के संबंध में खराब खबर चलाई गई,
इसके बारे में वस्तु स्थिति यह है कि जो ग्रामीणों के द्वारा वहाँ पे बताई गई एवं उनकी जो 7 साल की बच्ची जो जीवित है उनके द्वारा जो वर्जन दिया गया उसके हिसाब से उस महिला द्वारा लगभग 11 बजे अपने पति के साथ उनकी वार्ता हुई जो पंजाब में काम करते हैं, और उस वार्ता के क्रम में जो झगड़ा हुआ, किसी प्रकार का विवाद हुआ, उसको लेकर वो महिला उन सभी बच्चों को लेकर उन्होंने स्वयं धक्का दिया एवं उन्होंने खुद भी कूद लगा ली, जिसमें 3 बच्चे, जो एक 3 माह का बच्चा है करण कुमार, 5 वर्ष का बच्चा है राजकुमार एवं 12 वर्ष की बच्ची ज्योति कुमारी, इन तीनों की मृत्यु हो गई एवं 7 वर्ष की बच्ची जिसका नाम राधा है, राधा कुमारी, वे और उनकी माता जी जो रीना देवी हैं ये डूबने से बचा लिया गया इनको, जिसका किसी भी प्रकार से बाढ़ संबंधी कोई भी एंगल नहीं है कि बाढ़ के कारण मृत्यु हुई। हालांकि नदी बागमती ज़रूर थी जहां पर यह घटना घटी, लेकिन ये पूरी तरीके से मानव निर्मित अपने एक क्रिमिनल ऑफेंस के तहत एक हत्या करने का प्रयास इसको माना जा सकता है, जिसमें बाढ़ का कोई लेना देना नहीं। अब सवाल उठता है कि सोशल मीडिया पर बाढ़ के कारण इस मौत की खबर कहां से आई। फिलहाल प्रशासन की माने तो बाढ़ से जिस तरह से इस तस्वीर को जोड़कर कहानी बताई जा रही है वो गलत है, और इस तस्वीर की कहानी कुछ और ही है जो हमने आपको इस रिपोर्ट में बताई। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।